वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग और नमस्कार। आज हम फिर से आपके सामने एक छोटा सा मोटिवेशनल सेशन लेकर हाजिर हुए हैं और इस मोटिवेशनल सेशन में हम बात करेंगे कि जीवन में सफल कैसे हुआ जाता है, सफलता के लिए हमें क्या ऐसे की पॉइंट्स को याद रखना है, किन चीज़ों को अपने जीवन में उतारना है, क्या अवॉइड करना है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। कहते हैं कि एक पेड़ में इतनी लकड़ी होती है, कहा जाता है कि एक पेड़ में इतनी लकड़ियां होती हैं कि उससे हजारों तीलियां बनाई जा सकती हैं। एक पेड़ में इतनी लकड़ियां होती हैं कि उससे हजारों तीलियां बनाई जाती हैं और एक तीली ही काफ़ी होती है हजारों पेड़ों को जलाने के लिए, है ना। इस छोटी सी बात से आप समझ गए होंगे कि जीवन में जब हम कोई काम करते हैं तो काम को बनाना और उसको तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन उसे ख़त्म करने के लिए, उसे जलाने के लिए एक तीली ही काफ़ी होती है। जिस पेड़ ने हजारों तीलियां बनाई हैं, उस तीली में से एक तीली ने सारे जंगल को ख़त्म कर दिया, हजारों पेड़ों को ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो सफलता होना, सफलता प्राप्त करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, लेकिन अगर आप इसकी वास्तविकता को समझ जाएं तो ये काफ़ी आसान भी हो जाता है। ये तय आपको करना है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा कैसे संभव है। एक बार क्या हुआ कि एक राजा ने बहुत बड़ा तालाब बनवाया। उस तालाब में बहुत सारे मेंढक रहने लगे कि उसमें पानी था, पानी में मेंढक रहने लगे, और उसमें एक बीच में धातु का खंभा लगवा दिया, जो उसकी निशानी था, है ना, जो उसका प्रतीक था, ठीक है। अब उसमें सारे मेंढक जो थे, सारे मेंढकों ने एक दिन निर्धारित किया कि इस खंभे पर कौन चढ़ सकता है, काफ़ी बार प्रयास किया गया, है ना, कोई प्रयास में सफल नहीं हुआ। फिर उन्होंने, सारे मेंढकों ने आपस में बात की और एक प्रतियोगिता रखी, और कहा कि इस दिन ये प्रतियोगिता होगी और बारी बारी से सब लोग इस पर चढ़ेंगे और जो इस पर चढ़ जाएगा उसी को हमारा विजेता घोषित किया जाएगा और वही हमारे सारे मेंढकों का लीडर होगा और प्रमुख होगा। तो ये बात निर्धारित हुई। फिर वो दिन आया, उस दिन इस प्रतियोगिता की शुरुआत होती है, लेकिन जैसे ही शुरुआत होती है और एक मेंढक उस पर चढ़ता है और चढ़ने के बाद वो फिसल जाता है, क्योंकि धातु का जो खंभा था वो काफी चिकना था और धातु पे पकड़ नहीं लगती, इसी कारण वो उससे नहीं निकल पा रहे थे। तो जैसे वो फिसलता है तो सारे आसपास के जो लोग हैं वो यही कहने लगते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं होगा, खंभा बहुत चिकना है इसलिए नहीं हो सकता, हम में उतनी शक्ति नहीं है इसलिए हम इस पर नहीं चढ़ पाएंगे, है ना। दो तीन लोगों ने और प्रयास किया, वो भी नहीं चढ़ पाए, और बाकी के मेंढकों ने प्रयास किया, वो भी नहीं चढ़ पाए। फिर जितने लोग असफल होते गए वो एक कतार में जमा होते गए और उनके मुंह से केवल एक ही शब्द निकल रहा था कि हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं कर सकते, हम में इतनी शक्ति नहीं है कि हम इस पर पकड़ लगा के इसके ऊपर तक पहुँच सकें और विजय हो सकें। और बचे मेंढकों ने प्रयास किया, वो भी असफल हो गए, और असफल होने के बाद वो भी उन्हीं की टीम में आ गए और वो भी यही कहने लगे कि ये नहीं हो सकता। फिर इन्हीं मेंढकों का एक छोटा सा बच्चा था, वो छोटा सा बच्चा सामने निकल कर आया और उसने कहा कि मैं चढ़ूंगा। उसने चढ़ते हुए प्रयास किया, एक बार चढ़ा, नीचे गिर गया, दोबारा फिर से चढ़ा, फिर गिर गया, दोबारा फिर से उसने प्रयास किया और प्रयास करते 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 वो शीर्ष पर पहुंच गया। जी हाँ, जैसे वो शीर्ष पर पहुंचता है, सारे जितने भी निचले तबके के जो मेंढक थे वो हर्ष और उल्लासित हो जाते हैं और बहुत खुशियां मनाते हैं और उसे उन सभी मेंढकों का लीडर घोषित कर दिया जाता है, प्रमुख घोषित कर दिया जाता है, है ना। अब सभी मेंढकों में खुशियां होती हैं। फिर उस मेंढक से वो पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया। तब उसने कहा, कुछ नहीं किया मैंने तो बस प्रयास किया और जैसे मैं प्रयास करता रहा और सफलता खुद ब खुद मुझे मिल गई। उसने केवल एक ही चीज कही कि मैं केवल प्रयास करता रहा। बात को समझिएगा, मैं केवल प्रयास करता रहा और मैंने केवल प्रयास किया, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों की बारीकी को अगर आप समझ गए तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रयास करते रहना और प्रयास करना, दोनों में बहुत अंतर है। लोग जीवन में क्या कर रहे हैं आजकल, प्रयास करते हैं, छोड़ देते हैं। किसी भी चीज को अचीव करना है, मन में विचार लाते हैं,
थिंक बनाते हैं, उस पर प्रयास करते हैं, प्रयास करते हैं केवल एक बार, छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, और जैसे प्रयास छोड़ते हैं और सफल नहीं हो पाते। और एक व्यक्ति होता है जो प्रयास करता है, फिर से प्रयास करता है, फिर से प्रयास करता है, अगेन एफर्ट लगाता है, अगेन प्रयास करता है, निश्चित तौर पर सफल हो जाता है। क्योंकि सफलता इतनी आसानी से भी नहीं मिलती जितना हम उसे मानते हैं, बल्कि सफलता असफलताओं में ही छुपी होती है। बस इसको हमें समझने को आना चाहिए। जब आप कोई काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आप पहली बार में असफल होते हैं, और वो जो असफलता है वो उसका पहली सीढ़ी होती है। जो पहली सीढ़ी है, उस पहली सीढ़ी से अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो आपको दूसरी सीढ़ी मिलेगी, नेक्स्ट तीसरी सीढ़ी मिलेगी, और आप भी सफल हो जाएंगे। जब वो मेंढक वहां का लीडर बन जाता है, तब उसी मेंढक के पिता ये बोलते हैं, पिता बोलने से पहले जो सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम इतना चिल्लाते रहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, है ना, तुम एक बार फिसले, दो बार फिसले, तीन बार फिसले, लेकिन तुमने प्रयास नहीं छोड़ा, और तब तक नहीं छोड़ा जब तक तुम ऊपर नहीं पहुंच गए। तुमने ऐसा कैसे किया? हमने इतनी सारी बातें तुमसे कही कि तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन तुमने फिर भी कर दिखाया। तब उस मेंढक के जो पिता थे, उनने कहा कि उससे कहने से कोई फायदा नहीं है, वो मेंढक तो बहरा है। उस मेंढक से कहने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो मेंढक बहरा है, मतलब उसको सुनाई नहीं देता। आप समझ रहे हैं इस चीज को? इतने बड़े बड़े मेंढक थे, है ना, जो नहीं चढ़ पाए क्योंकि वो नकारात्मक विचार सुन रहे थे, वो आपके दिमाग में जा रहे थे, और दिमाग वैसा ही रिस्पॉन्स कर रहा था, और उसी रिस्पॉन्स को आप वास्तविकता मान रहे थे, और आप बार बार असफल होते जा रहे थे। वो मेंढक बहरा था, उसने नकारात्मकता को सुना ही नहीं, उन चीजों को सुना ही नहीं, और वो निरंतर प्रयास करता गया, और वो एक दिन सफल हो गया। तो कहने का मतलब यही है कि जीवन में जब आप कोई काम करते हैं तो पहली बार में सफलता मिल जाए, ये बहुत इम्पॉसिबल होता है। कुछ लोगों को मिल जाती है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन नहीं मिलती तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रयास करना पड़ता है। और जब आप प्रयास करते हैं तो बहुत सारा जो कम्युनिटी है, इन्वायरमेंट है आपका, वो आप पर नकारात्मक बातें कहेगा, नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। वो क्यों छोड़ता है, इसको भी समझिए। वो इसलिए छोड़ता है क्योंकि उस प्रयास से वो असफल हो चुका है। उसने वो प्रयास एक बार किया, असफल हो गया। जैसे आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो गवर्नमेंट एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे बोलते हैं कि आपसे नहीं होगा। वो कौन लोग बोलते हैं, कभी आपने सोचा है? वो कौन लोग होते हैं, उनकी एबिलिटी क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, वो किस आधार पर आपको जज कर पाते हैं? क्योंकि वो जीवन में सफल नहीं है। एक्चुअल में वो आपकी वास्तविकता नहीं बताते, बल्कि वो अपने आप का लेवल बताने का प्रयास करते हैं कि हमारा लेवल इतना गिरा हुआ था कि हम इसको नहीं कर पाए, इसलिए इस काम को तुम भी नहीं कर पाओगे। एक्चुअल में वो कभी आपको नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करते, बल्कि वो आपको अपने से कंपेयर करने का प्रयास करते हैं, आपको अपने से कंपेयर करने का प्रयास करते हैं, और अपने आप को बेस्ट बताने की कोशिश करते हैं कि जब हम नहीं कर पाए तो तुम हमसे ऊपर कैसे जाओगे, तुम हमसे नीचे रहो, तुमसे भी नहीं हो पाएगा। कुछ समाज में बुद्धिजीवी होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, कहते हैं हमें संपूर्ण ज्ञान है, सब कुछ आता है। जब आपको सब कुछ आता है तो फिर आप कलेक्टर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? फिर एक 22 साल का व्यक्ति उन 60 साल के बुजुर्गों में से IAS बन के क्यों आता है? बात समझ में आ रही है? तो ये निर्भर करता है आपकी सोच पर। तो वही मैं आपसे कहूंगा कि लोग क्या कह रहे हैं, इन सभी चीजों को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वो जो कहते हैं वो आपकी बुराई नहीं, बल्कि अपने आपके लेवल को ऊपर दिखाने का काम करते हैं। एक व्यक्ति अगर आपको मुझे ऐसा मिल जाए जो गवर्नमेंट जॉब में है ऑलरेडी, जो सक्सेसफुल पर्सन है, और वो तुमसे ये कह दे कि तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो उसी दिन आप ये समझ लीजिएगा, वैसे तो ऐसा होगा नहीं कभी, लेकिन अगर ऐसा कभी हो जाए तो आप समझ लेना कि वो आ सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सफल है, जो सक्सेस है, वो उस चीज की अहमियत जानता है। एक मोटिवेशनल वीडियो में मैंने कहा था कि आपके अंदर की एबिलिटी और आपके गुणों को वही पहचान सकता है जिसमें वो चीज है, जिसमें नहीं है वो क्या पहचानेगा। हीरे की परख केवल जौहरी को होती है, सभी लोगों को तो वो पत्थर के समान दिखाई देता है। वैसे ही आपकी जो क्वालिटी है, आपका जो सिलेक्शन है, आपकी जो सफलता है, वो एक सफल इंसान को ही दिखेगी, असफल इंसान को कभी नहीं दिख सकती, क्योंकि वो स्वयं असफल है, और वो अपने
आपसे आपको ऊपर जाते नहीं देख सकता। एक गांव में लाइट नहीं थी, बरसों से लाइट नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है, बरसों से लाइट नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया तरीके से जीवन यापन कर रहे थे, बढ़िया तरीके से जीवन यापन कर रहे थे, लाइट नहीं थी, अंधेरे में खाते थे, अंधेरे में सब करते थे। एक छोटा सा व्यक्ति शहर जाकर एक दिया ले आया, एक छोटा सा व्यक्ति शहर जाकर दिया लेकर आ गया, उसी दिए का प्रकाश सारे गांव में दिखने लगा। अब सारे गांव के लोग दुखी, यार इसके पास उजाला है, हमारे पास उजाला नहीं। अब वो क्या करेंगे? अब उनके पास केवल दो चीजें हैं, या तो शहर जाके वैसा ही दिया आप ले आओ, या तो सामने वाले का दिया बुझा दो। बात समझ में आ रही? दो ही प्रतिक्रियाएं होंगी। और ज्यादा आसान कौन सी है? ज्यादा आसान प्रतिक्रिया होती है कि आपका दिया बुझा दिया जाए और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि शहर जाना पड़ेगा, पैसा लगेगा, है ना, मेहनत लगेगी, एफर्ट लगेगा, और उस मुकाम को हासिल करना थोड़ा सा असंभव है। तो ये समाज की प्रकृति है, ये समाज का नेचर है, ये समाज की बुराई नहीं है, ये उनका स्वाभाविक गुण बन चुका है, क्योंकि जेनेटिक हेरिडिटी में ये सारी चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती हैं, और वही सोच बन जाती है, और यही सोच रूढ़िवादी हो जाती है, और वही परंपरा बन जाती है। तो जैसी सोच पुराने समय से रही है, वही सोच रहती है कि भाई हम नहीं कर सकते तो सामने वाला का भी वही हाल कर दो और बराबर बात हो जाएगी। तो ये आपको स्थिति को समझना है, ठीक है, आपको स्थिति को समझना है, नकारात्मक विचारों को दूर करना है, बस आगे बढ़ते जाना है। एक बार प्रयास, दो बार, तीन बार प्रयास लगातार रहना चाहिए आपके दिमाग में, बस एक वे रहे, प्रयास लगातार करेंगे, क्योंकि हजार गड्ढे खोदने से पानी नहीं निकलता, लेकिन हजार प्रयास अगर आप एक गड्ढे पकड़ देंगे, एक दिन पानी जरूर निकलेगा। आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।